हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। बहुत ही टेस्टी एंड यमी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं वेज पुलाव बनाना। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम के करीब मैंने बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया हुआ है। और देखिए, और उसके साथ मैं ये राइस को अभी धोया नहीं है मैंने। और फिर इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स थोड़ा, मैंने गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, एक आलू, एक अनियन और थोड़ा गाजर मैंने कट कर लिया है। और इसके साथ मैंने एक लार्ज साइज का टमाटो मैंने चॉप किया है, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक कटोरी मैंने मटर लिया हुआ है, फ्रेश मटर। और मैंने खड़े मसाले में लिया है 2 से 3 लौंग, 5-6 काली मिर्च, 3-4 पत्ते बे लीव्स और एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, 2 से 3 टुकड़ा जावित्री का, एक छोटी इलायची, इसे मैंने ऐसे तोड़ लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है, मैंने शाही जीरा लिया है। पहले मैं ये चावल धो लेती हूँ अच्छे से वॉश करके। ये देखिए, मैंने चावल धो लिया है और अब हम सब्जियों को फ्राई करते हैं। तो मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं वेज पुलाव मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है। और इसमें मैं अभी ये खड़े मसाले डाल रही हूँ सारे, और इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भूनते हैं। इनके भुनने के बाद मैं यहाँ पर अनियन डालूँगी और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। देखिए, प्याज भी भून गया है ऑलमोस्ट। फिर मैं इसमें आलू डालूँगी और फिर इसे अच्छे से स्टर करूँगी। आलू भून रहा है, देखिए दोनों अच्छे से भून गए हैं हमारे। इसके बाद में जो जिंजर गार्लिक हमारा मैंने क्रश कर लिया हुआ था वो डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है वेज पुलाव का। आप इसे लंच और डिनर दोनों में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर इस थोड़ा हम जिंजर गार्लिक तब तक भूनते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना, इसका सिर्फ कच्चा फ्लेवर, रॉ फ्लेवर बस हटाना है। इसके बाद हम ये बीन्स और कैरेट डाल देते हैं और ये भी 1 से 1.5 मिनट तक भूनते हैं। और ये भूनने के बाद हम ये कैप्सिकम, हमारा जो कटा हुआ था कैप्सिकम, डाल देते हैं। फिर इसमें हम हमारे मसाले डालेंगे इसे अच्छे से भुनने के बाद। मैं वो जो मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया था वो डाल दिया मैंने, और थोड़ा हल्दी पाउडर मैं डालूंगी 1/4 स्पून। इसे अच्छे से स्टेयर करना है ताकि मसाले मिक्स हो जाए। इसके बाद अब ये टमाटर हम डालते हैं और अब हमें जाना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस टमाटर थोड़ा गल जाए। और ये हमारा ग्रीन पी, क्योंकि ग्रीन पी हम थोड़ा बाद में डालते हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। और ये हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून से ज़्यादा लिया है
आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कम ज़्यादा अच्छा लगे तो। फिर हम अपने ये जो गोभी हमने रखा था वो डाल रहे हैं। गोभी हम लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। और अब हम इसे, ये हमारा सब्जी अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें अब हमारा जो चावल मैंने धो के रखा था उसे हम डाल के अच्छे से चला लेते हैं। चावल हमारा अच्छे से फूल गया है, इसे हम अच्छे से चला लेते हैं ताकि सब्जियां और मसालों का फ्लेवर चावल में अच्छे से आ जाए। और एक मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहते हैं, भूनते रहते हैं। हम इसमें 2 कप पानी डालते हैं। मैंने 1 कप चावल लिया था, मैं इसमें 2 कप पानी मैंने डाला है मेज़र करके। इसमें मैं थोड़ा कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स डाल रही हूँ। और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून घी ऐड करते हैं, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, और आपको नहीं पसंद तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। हम इसे ढककर 2 सीटी लगा देते हैं, फिर हम ठंडा होने के बाद इसे खोलेंगे। देखिए हमारा सीटी भी हो गया है, और देखिए कितना अच्छा हमारा वेज पुलाव बनके रेडी हो गया है। देखिए सारे चावल अलग अलग हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। इसे आप रायता के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।